कोरोना वायरस पाकिस्तान सुपर लीग पर हमला पर मजीद तीन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 6 हो गई। पीसीबी और फ्रेंचाइज मालकान का हंगामी इजलास। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? हम फिर आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान सुपर लीग हो चुकी है फिर से एक बार पोस्टपोन, मतलब लास्ट ईयर भी हुई थी और इस बार भी हुई है ड्यू टू कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पीएसएल टीम्स ऑनर ने मतलब इतना मतलब गैर रवैया दिखाया, मतलब बहुत ही घटिया उनका रवैया था और टीम से मिल रहे हैं बगैर मास्क के, हो रहा था सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कल तो मेडिकल पैनल को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादती की है मेडिकल पैनल में। जब इस किस्म के आप लोग मेडिकल पैनल में रखोगे, जो जिनको घर वाले से इतना नहीं जानते और जिनको आम हॉस्पिटल में भी बिठाते, आप दोनों पी सी भी बिठाया हुआ है, और उस जैसे मेडिकल पैनल को आपने पता नहीं, एक कोई डॉक्टर बैठा हुआ था पीसीबी का, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था, वो कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है, ना उसको पता है ना उसके पास पता नहीं एक्सपीरियंस है। फाइनली मेडिकल पैनल को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और मैं दरख्वास्त भी करता हूँ हायर अथॉरिटी से, क्योंकि दे प्लेड द लाइफ ऑफ द पीपल, कि अगर कोरोना वायरस से खुदा न खासा किसी जान चली जाती तो ये क्या होता। दूसरी बात, सारा का सारा इल्ज़ाम वसीम खान पे धर दिया जा रहा है, वसीम खान को आगे कर दिया गया है, वसीम खान को बताया गया है जी कि आप जाके फेस करो। ये वसीम खान को लाया कौन है? एहसान मानी। ये इमानी साहब किधर हैं? ये वसीम खान की जिम्मेदारी है जवाब देना यहाँ पे। ये लाया कौन है वसीम खान को? एहसान मानी। एहसान मानी कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे वो जवाब दें इस चीज़ का। और सारा का सारा ब्लेम बेचारे पे उसको बिठा के टीवी पे वसीम खान को, उस पर ब्लेम किया जा रहा है उसको, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे उसको लान तान की जा रही है। हाँ, अब आए ज़रा पीसीबी का इनकॉम्पिटेंट होना, चले इस पे आ जाए ज़रा। पीसीबी वो दुनिया का वाहिद इदारा है जिसकी इनकॉम्पिटेंट होने पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक बंदा सिर्फ है, एक बंदा वसीम खान, जो काम का है, जो लॉजिकल है, जो मदद करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट की, मिनते तरले करके टीमों को बुला के पाकिस्तान में रख रहा है। इसके अलावा एक बंदा, आई गारंटी, एक बंदा काम का नहीं है पीसीबी में जो कोई भी सिनेरियो संभाल सके। वसीम खान की जिम्मेदारी है मेडिकल पैनल को देखना। मैंने पहले भी वसीम खान से कहा था, भाई अपना मेडिकल पैनल चेंज कर, कोई लायक टीम ऑफ डॉक्टर्स ला, ताकि ये इस हालात क्रिएट ना हो। ये जो 20-20 साल से पाकिस्तान टीम के बैठे हुए हैं, अकेडमीज में बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर जिनके टेढ़े इतने निकले हुए हैं, जिनके ना बस कॉम्पिटेंट है, ना बेचारे इनके पास इल्म है, ना बेचारों के पास कोई विजन है, ना इतने बड़े सिनेरियो के लिए वो तैयार हैं। आम वो ठीए वाले डॉक्टर आपने डाके पीसीबी में बिठा दिए, तो फिर ये हालात तो नहीं थे ना। इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द पीसीबी, ये बात ठीक है, क्या आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप जाके एक पूरा होटल बुक करा लें? प्राइवेट जेट बुक करा सकते हैं आप, पूरा होटल बुक नहीं करा सकते थे आप? 250-300 कमरों का होटल बुक नहीं करा सकते आप? इतनी अकल नहीं है आपको? वहाँ शादियाँ भी हो रही हैं, वहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, बाल भी कटा रहे हैं, वो स्टेयर केस से छुप के लोग जा भी दे रहे हैं, डैरन समी साहब बाहर निकल रहे हैं, जावेद अफरीदी साहब अपनी वीडियो बना रहे हैं गाड़ी में बैठ के। यार कितनी पब्लिसिटी चाहिए जावेद अफरीदी? I don't fail to understand that. Why would you breach when there is a biosecure bubble? I'm asking the same question to Wahab Riaz. कौन सी ऐसी मौत पड़ गई है तस्वीरों की कि जाकर गाड़ी में बैठ के आपने ब्रीच भी कर लिया, और ब्रीच करके आपने वीडियो भी बना ली और एविडेंस भी दे दिया, और सिंपैथेटिक ग्राउंड के ऊपर कहते हैं कि जी हम माफ़ भी कर दें, और पीसीबी इतना माशाल्लाह इतना मासूम कि आगे से कहता है कि हम माफ़ भी कर देंगे आपको। इज दैट हाउ यू गोना रन थिंग्स इन पीसीबी? इतने इनकॉम्पिटेंट हैं आप। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, पूरी दुनिया में अब खबर जाएगी जो मैं बना रहा हूँ, अब पूरी दुनिया इस पर तबसरा करेगी, और मैं दुख से कह रहा हूँ यार, देखो ये प्लेड विद द पीपल, लाइव्स ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम ये प्लेड द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, टूर्स होने वाले हैं, और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। वॉट फॉर? बिकॉज आपके पास नलायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? ही हैज़ टू बी आंसरेबल, एंड आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज एंड टू द ऑनरेबल कोर्ट
टू टेक अ वेरी गुड लुक एट इट इन दिस मैटर और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करें, इसकी 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 तहकीकत अदालत करें कि ये इज़ डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम कि यार गलतियां कहाँ कहाँ की थी, क्यों नहीं होटल पूरा बुक कराया, क्यों नहीं कॉर्डन ऑफ किया, क्यों पूरी दुनिया में देखा नहीं है आपने कि जाके पूरा होटल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसमें ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जब पता है आपका प्रीमियम ब्रांड PSL है तो आप इसको सेफ गार्ड करने के लिए मेजरमेंट क्या लिए हैं आपने? कोई गोल्फ खेलने जा रहा है, कोई कटिंग करा रहा है, कोई 30 मॉडल्स आ रही हैं, कोई 40 ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है, ओ भाई 100 ब्रांड एम्बेसडर रख यार, लेकिन दूर रख, साथ बैठे हुए तस्वीरें खिंचाने आ गए हैं, अब चीखे मारे हैं मालखान TV बैठ के, ओहो हो हमारे तो पैसे डूब गए, और पैसे डूब गए मामो, तुमने 22 बबल का ख्याल तो कराना था पहले। गाइस ये थे अपने शोएब अख्तर, शोएब अख्तर को आपने देखा इसी तरीके से बात करते हैं शोएब अख्तर, तो शोएब अख्तर ने रिएक्शन दिया, पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा पूरा ब्लेम इन्होंने PCB को दे दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा PSL के जो टीम्स ऑनर थे और मैनेजमेंट था, डॉक्टर्स था, सबको मतलब जम के लताड़ा है। हालांकि आपको बता दूं कि PSL पाकिस्तान में कोरोना वायरस को बहुत इजी लिया जा रहा है, आप माने ना माने वहाँ पर इंडिया में भी लिया जा रहा है, जब से कोविड वैक्सीन की खबर आई है बहुत इजी लिया गया है, जिसके कारण मुंबई कह रहा हूँ, महाराष्ट्र और केरला, मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है, बाकी यहाँ देश के 80% मतलब 80% केसेस यहीं से आ रहे हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे कोरोना वायरस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केस, मतलब ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गया था लेकिन अब स्लोली ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो वैक्सीन जैसे जैसे लगेगी शायद ये ग्राफ फिर से नीचे जाएगा। लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान में वैक्सीन भी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी लोग कोरोना वायरस को ईजी ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोरोना वायरस उतना इफेक्ट नहीं किया जितना करना चाहिए, जितना यूरोप वगैरह में किया था, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में जो डेथ हुई है वो बहुत कम है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, लेकिन फिर भी मास्क आप ज़रूर पहने। तो पाकिस्तान के जो टीम्स मतलब पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है उसने वायरस सिक्योर बबल डेफिनेटली बहुत बकवास बनाया, प्लेयर्स आराम से मिल रहे थे एक दूसरे से, टीम ओनर्स बाहर भी रह रहे थे और टीम्स में आके डगआउट में बैठ रहे थे, इस तरीके की हरकतें हो रही थी, उसकी वजह से ये PSL हो गया है पोस्टपोन। हो सकता है ये अब पता नहीं कब होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे साल में विंडो नहीं रहती है, वैसे भी जब PSL होता है तो सारे मैचेस होते रहते हैं, आप देख सकते हो अभी अभी इंग्लैंड इंडिया का मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज श्रीलंका का आज ही मैच हुआ, पोलार्ड ने 6 मार दिए, और शायद बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे भी खेल रही है, मतलब जो भी टॉप 10 के अंदर टीम आती है लगभग पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को छोड़कर सारी टीम खेल रही हैं, और उसके बावजूद PSL होता है। आपको पता है जब IPL होता है तो लगभग क्रिकेट बंद हो जाती है, केवल IPL ही होता है, तो आप समझ सकते हो PSL के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और PSL मतलब आप इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा था, स्लोली रेटिंग आ रही थी, इस बार ब्रॉडकास्टर अच्छे थे तो देखा जा रहा था, एक्चुअली मैं देखा क्यों जा रहा था, आपको भी पता है बैटिंग सट्टा के लिए काफ़ी लोग ये सब देखते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है, देखते ही हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है PSL जो पोस्टपोन हुआ है इसका मेन रीज़न क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और आप खुश हैं एज अ इंडियन, आई नो खुश होंगे लोग, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन आप खुश हैं PSL के बैन होने से या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।